हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में मुआवनी ने हज का सपोर्टिंग स्टाफ का जो पेपर हुआ है 3 मार्च 2024 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो 80% प्लस एमसीक्यूज टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट डॉट पी के। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टोन्स फॉर रमी जमरात आर पिक्ड अप फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर मुजदलफा है। हाजी साहिबान जो हज के दौरान रमी जमरात करते हैं, यानी कि शैतान को जो कंकरियां मारते हैं, जो पत्थर मारते हैं, उन्हें मुजदलफा के मकाम से उन कंकरियों को उठाया जाता है मुजदलफा से। तो मुजदलफा इसका करेक्ट आंसर है। द एम एस ऑफिस फीचर टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स ड्यूरिंग टाइपिंग इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, सो इसे ऑटो करेक्ट कहा जाता है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को करेक्ट करे टाइपिंग के दौरान, तो उसे ऑटो करेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 112, 188। अब इसके बाद जो सीरीज आएगा वो 76 आएगा। इन जो ऑप्शंस हैं, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 86, क्योंकि ये 12 जो है माइनस हो रहे हैं। 112 से जो है 12 माइनस करें तो 100, 100 से 12 माइनस करें तो 88, अब 88 से 12 माइनस करें तो 76 इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पररी स्टोरेज फॉर कंटेंट कॉपीड। कंटेंट कॉपीड के लिए टेम्पररी जो स्टोरेज है उसे क्लिप बोर्ड कहा जाता है, क्लिप बोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैज ड्रम, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स हैज ड्रम, यही इसका करेक्ट आंसर है। इन एम एस वर्ड सिमिलर टेक्स्ट रेज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट बेसलाइन आर कॉल्ड डैश एंड डैश, सो इसका करेक्ट आंसर है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। इन एम एस वर्ड वी हैव फॉलोइंग टू पेज ओरिएंटेशंस अवेलेबल, सो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन है जो कि एम एस वर्ड में अवेलेबल होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इसका करेक्ट आंसर है। ये आप यहाँ पिक्चर से भी देख सकते हैं, ये तो एक पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप है, तीसरा कोई भी नहीं है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। मुस्लिम वुमेन कैन नॉट ट्रेवल अलोन टू हज जर्नी, हज के लिए तनहा जो है मुसलमान औरत जो है वो सफर नहीं कर सकती, उसके अकेले नहीं कर सकती, यानी कि हज इज ऑब्लिगेटरी ऑन, हज जो है वो उन पर फर्ज है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, उन पर फर्ज है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन फॉर अ पिलग्रिम हज ड्यूरिंग हज, सो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। ये जो तीनों चीजें हैं ये फॉरबिडन है हज के लिए, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज बदल इज दैट वन विच इज परफॉर्म फॉर एन अदर पर्सन हु कैन और कुड नॉट परफॉर्म इट हिमसेल्फ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, हज बदल उसे कहते हैं जिसे आप किसी और के लिए हज अदा करें, उसे हज बदल कहते हैं, वो खुद किसी मजबूरी के तहत हज ना अदा कर सकता हो और आपको भेज दें, इसे ही हज बदल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक स्टोन हजरे अस्वद लोकेटेड इन काबा। काबा शरीफ में जो हजरे अस्वद है, ब्लैक स्टोन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ, तवाफ का जो आगाज होता है, तवाफ का जो आगाज होता है वो हजरे अस्वद से ही होता है, ब्लैक स्टोन से ही होता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि टचिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, इसको जो हम छूते हैं ब्लैक स्टोन को, इसे कहा क्या कहा जाता है, इस अमल को क्या कहा जाता है अरबी में, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच प्रॉफिट इज एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ द काबा विच इज सेंट्रल फोकस ऑफ द हज पिलग्रिमेज, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया था, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग हज पिलग्रिम्स शेव देयर हेड्स एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन, व्हाट इज दिस एक्ट कॉल्ड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हल्क है, हल्क इसे कहा जाता है। हज के दौरान जो हाजी साहिबान सर मुंडवाते हैं, और इसके अलावा
जो है आजजी और तवाज़ो की अलामत के तौर पर अपने सर मुंडवाते हैं। इस अमल को हल्क कहा जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच रिचुअल ड्यूरिंग हज इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ अरफात, मैदान अरफात में खड़े होने को वकूफ कहा जाता है। वकूफ अरफात इसे इसीलिए कहा जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। माई ब्रादर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रादर, वट रिलेशन एम आई टू यू। सो इसका करेक्ट आंसर नेफ्यू है। नेफ्यू इसका करेक्ट आंसर है। जो एमसीक्यूज रह गए हैं वो आप हमारी वेबसाइट test.pk विजिट करके देख सकते हैं, जहां आपको जो मजीद क्वेश्चंस हैं वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो पेपर्स हो रहे हैं, उनको हम डेली बेसिस पर दिन रात मेहनत करके इस पर अपलोड कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।